गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचयितां संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। समाज का एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है और हमारे पास बार बार आता रहता है, वो गंभीर प्रश्न कहिए या गंभीर समस्या कहिएगा, क्योंकि देखिए वे लोग पूछते हैं, विभिन्न जाति पंथ स्थान के लोग ये पूछते हैं कि भाई हमारी जाति क्या है, हमारा वर्ण क्या है। तो ये जो अब अपना अपना उपनाम बतला करके, जिस उपनाम का कोई कोई तो उपनाम ऐसे हैं जो कि संस्कृत के नाम नहीं हैं, और कुछ संस्कृत के नाम भी हैं तो अनवर्थक नहीं है कि जो संस्कृत का जो अर्थ निकलेगा तो उसका वो जो अर्थ होगा वो जाति सूचक नहीं है, वर्ण सूचक नहीं है, तो अब उनका अर्थ कैसे बतलाया जाए। किसी ग्रंथ में भी उनके नाम नहीं लिखे, उनकी वंशावली इत्यादि नहीं लिखी है, क्योंकि वे तात्कालिक या बहुप्राचीन नहीं है। ये है, अब कोई व्यक्ति वर्ण संकर है या नहीं है इसका शास्त्रों में कैसे पता चलेगा। कोई कहे कि महाराज हमारा गोत्र बतलाइए, हमारे पिता का नाम बतलाइए, अपने पंचांग में देखो, अपने ग्रंथों में देखो, तो हम किस ग्रंथ में देखें कि भाई अमुक व्यक्ति के पिता का नाम क्या है। कोई व्यक्ति है बोले कि हम ब्राह्मण हैं और हम अपना कुछ बतला रहा है ऐसे ही, तो अब बताइए ना प्रवर का ज्ञान है तो गोत्र बतलाइए, शाखा शिखा बतलाइए, तो ये कैसे पता चलेगा। ये तो हमारा वंश कैसा है ये तो वो व्यक्ति ही बतलाएगा, या वो अपने समाज के लोगों को पूछे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो शूद्र जाति में आते हैं वो क्षत्रिय कहला रहे हैं अपने आप को, कोई क्षत्रिय जाति में आते हैं तो वो कोई अपने अपने वर्ण को भूल गए, कोई बन गए हैं, कोई वैश्य जाति में आते हैं और वो प्रचलन में आ गए, शूद्र में आ गए, कोई क्षत्रिय जाति में थे और प्रचलन से वो दुकान करने लगे, ये सब धंधा पानी करने लगे, भूल गए अपने आप को, सेठ मान लिया, बनियाओं के बीच में बस गए, वैश्य मान लिया, ऐसे बहुत से लोग हैं। अब उनको किस प्रकार से समझाया जाए या उनका कैसे पता चले कि कौन है आप। अब कहीं सुना करे इस उपनाम वाले तो उस क्षेत्र में ब्राह्मण है, इस उपनाम वाले उस क्षेत्र में क्षत्रिय हैं, उसी उपनाम वाले कहीं शूद्र हैं, तो अब कैसे निर्णय लिया जाए कि आप जिस क्षेत्र में ब्राह्मण उपनाम वाले जो हैं। अब जैसे मैं आपको बतलाऊं, जैसे गर्ग गोत्र है, गर्गाचार्य तो ऋषि मान प्रसिद्ध है, तो गर्गाचार्य के वंशज जो गर्ग ब्राह्मण है, अब कुछ गर्ग वैश्य लोग लिखते हैं कि हम भी गर्ग हैं, तो ऋषि बताया गया है कि क्षत्रिय और वैश्यों के गोत्र तो ब्राह्मणों के गोत्र से ही गोत्रित हैं, क्योंकि जो उनका उपरोहित होते थे, उपरोहित का जो गोत्र होता था वही गोत्र क्षत्रिय और वैश्यों के हैं, ये धर्म सिंधु और ऋण सिंधु में लिखा हुआ है, तो ऋषि गोत्र के अनुसार। परंतु अब वो ऋषि गोत्र के अनुसार जो क्षत्रियों का ऋषि गोत्र है और वो वैश्यों का और ब्राह्मणों का भी है, तो अब वो भूल जाए कि हम क्षत्रिय नहीं है, अब गोत्र से निर्णय करवाएं तो वो तो ब्राह्मणों का भी वही गोत्र है, तो यहां कैसे कह दिया जाए। तो या कोई और निम्न जाति में है, या कोई शूद्रादि में है और भी है, कोई वर्ण संकर हो गए, अब उनकी माता जी का या किसी का कोई ऐसा हो गया वो अनुलोम संकर है कि प्रतिलोम संकर है, तो यहां से कैसे पता चलेगा। तो ये तो वे बतलाएं या उनके परिवार वाले लोग बतलाएं। कुछ लोग अपने गांव जाति परिवार वर्ण को छोड़ करके बाजार में रहने लगे और वो सब कुछ बन गए, कुछ तो जानबूझ के बन गए, और कुछ लोग अब आकर के भूल गए, कुछ विदेश में पहुंच गए और धन में इतने मदमस्त हो गए कि अपनी जाति वर्ण आदि को भूल गए, पीढ़ियों से न जाने कहां कहां विवाह होता रहा, किसकी कोई कन्या लेते देते रहे, अब पूछ रहे हैं कि बताइए कि हमारा वर्ण क्या है। अब आप ही बताएंगे आपका वर्ण क्या माना जाए, क्या माना जाए उसका वर्ण। तो इस तरीके से कृपया आप लोग हमारी जाति क्या है, हमारा ये जो है गोत्र क्या है, प्रवर क्या है,
ऐसे प्रश्न संस्था में न पूछे जाए, क्योंकि यदि हम किसी को कुछ कह दे में, बहुत से ऐसे हैं, देखिए मनुस्मृति में बतलाया गया है कि अगर कोई सन्यासी हो गया और सन्यासी होने के बाद फिर वो गृहस्थ आश्रम में चला जाता है अपनी पत्नी में ही, फिर पुत्र उत्पन्न कर देता है, तो वो चांडाल के समान होता है। आप बने रहे ब्राह्मण, ब्राह्मण थे, उच्च कुलीन थे, आपने सन्यास लिया, बहुत अच्छा किया, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास में पहुंच गए जो कि मोक्ष का द्वार है, और वहां से आप जो है गिर गए, आरूढ़ पतित हो गए, तो आरूढ़ पतित हुआ वो व्यक्ति और आकर के फिर अपनी उसी भार्या को स्वीकार करता है और कथनचित पुत्र उत्पन्न करता है, तो वो उसका अपनी भार्या में उत्पन्न होने वाला ही पुत्र वो चांडाल हो जाएगा। क्या हो गया बताइए, अब आप कहेंगे लो क्या हो गया, पहला पुत्र था वो अच्छा कुलीन ब्राह्मण माना जाएगा और उसी भार्या में उसी पिता के द्वारा कुछ कालक्रम के बाद संन्यास ग्रहण करने के बाद, जो कि अब उसने छोड़ भी दिया है, फिर भी वो जो है उससे होने वाले पुत्र चांडाल होते हैं। भगवान मनु कह रहे हैं ऐसे, हम नहीं कह रहे ये बात। और अब देखिए महात्माओं की स्थिति, और कई लोग तो कई महात्मा नामधारी है ना, ये जो है वेशधारी, ये जो विरक्त अभी जेल में भी है इसी दुष्कर्म के कारण, आप समझ रहे होंगे किसको मैं कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे महात्मा, ऐसे ये जो जो नामधारी, ये जो लोग हैं विरक्त लोग, सन्यासी आदि, तो इनसे किसी दूसरी में, किसी दूसरी शिष्या या कोई अपर स्त्री में पुत्र उत्पन्न हो जाता है और फिर वे उन्हीं के नाम से चलने लगते हैं, दशनामियों के नाम से या किसी के नाम से, तो अब वो अलग हो गए कि नहीं। और किसी ने अपने गुरु के नाम से वो नाम गोत्र चलने लग गया तो वो शुद्ध है, किसी का ऋषि गोत्र तो है लेकिन प्रचलन में नाम अपना टाइटल या पीछे का सरनेम किसी ने अपने गुरुजी के नाम से शुरू कर दिया तो वो तो सही है, नाम से क्या हो गया, किसी की उपाधि लग गई तो और कोई वास्तव में उससे पैदा है तो अब कैसे माना जाए कि आप उपाधि वाले हैं कि वास्तव में उनसे पैदा हुए हैं। तो इसका निर्णय तो आपके वंशज, आपके कुल के लोग, आपके परिवार के लोग और आप स्वयं कर सकते हैं, ये क्योंकि ये ढूंढ पाना बड़ा कठिन है और मेरे लिए तो बहुत ही कठिन है, इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्न न करें। हाँ, आपको शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में, आपके दिनचर्या में, जीवन में कोई भी विचिकित्सा हो तो आप यहाँ प्रश्न करें, और संस्था में बहुत से विद्वान हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, हम भी जो है किसी प्रसंग में, किसी प्रश्न में हमको विचिकित्सा होती है, कोई भी संदेह होता है तो हम गुरु जी से परामर्श कर करके ही यहाँ बोलते हैं, ताकि आप लोगों को शुद्ध शास्त्रीय पक्ष ही जाए। और ये जो सत्र चलाया जा रहा है ये किसी नाम के लिए या किसी जो है धन इकट्ठा करने के लिए नहीं चलाया जा रहा है, सनातन धर्म का ये जो है ह्रास हो रहा है वो ना हो और लोग इसका परिपालन करें। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सनातन धर्म का रक्षण नहीं करते उन लोगों को आप वध करने वालों को भी पातक नहीं लगता, ये धर्म सम्राट का वचन है। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को, प्रत्येक सनातनियों को, प्रत्येक क्षत्रिय वैश्यों को भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति सामर्थ्य के अनुसार सनातन धर्म का संरक्षण अवश्य ही करना चाहिए। तो आप इन बातों को यदि सुनते हैं, परिपालन करते हैं तथा दूसरों को भेजते हैं, ये भी धर्म का कार्य है, इन बातों को सुनिए, मानिए तथा अपने इष्ट मित्रों को भी भेजिए, वे लोग भी सुने, केवल यही वीडियो नहीं और भी लोग, ताकि आप धार्मिक बात को किसी दूसरे पे भेज रहे हैं वो सुनेगा मानेगा तो उसका फल आपको भी मिलेगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो दान देता है या दान दिलवाता है, धर्म का आचरण करता है या करवाता है, तो जिसके कहने पर, जिसके निर्देश पर जो लोग आचरण करते हैं तो उनका किया हुआ फल का षष्ठांश माने छठा हिस्सा उस व्यक्ति को भी मिलता है, उसका कम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसका कम होकर के उस पर जो है 94% ही रह जाता हो, नहीं, वो भगवान उसको उसी का छठा हिस्सा उसको देते हैं। किसी को आपने बताया कि भाई एकादशी व्रत किया करो, वो नहीं करता था, करने लग गया तो उसका फल आपको भी मिलेगा, आपकी प्रेरणा से किया, और आपने उसको चोरी के लिए प्रेरित किया कि चोरी करो, वो करे आया तो उसका दंड आपको भी मिलेगा। सरकार भी, हमारे यहाँ भी नियम है सरकार में कि यदि कोई कहा जाए भाई इस पाप के लिए इसने उकसाया था, इसने प्रेरणा दी थी, तो उसको भी दंड मिलता है।
ये भी बतलाया गया है कि जो पंच महापातक हैं उनमें पांचवा महापातक वही है कि उनका साथ देने वाला, साथ अनुमोदन करने वाला। तो इसलिए आप लोग भी इसमें हमारे साथ रहें और साथ देवें, इन बातों को सब जगह सर्वत्र भेजें, अपने इष्ट मित्रों को, प्रेमियों को भेजें और उन स्वयं माने, स्वयं पालन करें और दूसरों से भी करवाएं। हर हर महादेव।